डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं फतेह बहादुर सिंह जी, और शहर सिरोहिया गांव में है, और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और इस तरह से डोर टू डोर लोगों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए गोरखपुर की 9 विधानसभा की सीटों में कनिकपुर कैंटियरगंज अहम सीट है, ऐसे में जिस तरह से वो अब लोगों से संवाद कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं और सरकार के कार्यकाल को बताया जा रहा है, सरकार ने काम किया है उसको लेकर लोगों के घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं। ऐसे आप देखना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कनेक्ट हो रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे भी देखा जाए लोगों से जिंदाबाद जिंदाबाद वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाए कहीं ना कहीं अहम मारे फूलवा पे मारिया ना बुला जाए बाबू, मारे फूलवा पे मारिया ना बुला जाए बाबू, ना बुला जाए अम्मा ना बुला जाए बाबू जी, मारे फूलवा पे मारिया ना बुला जाए बाबू जी, मारे फूलवा पे मारिया ना बुला जाए बाबू जी, हाथ जोड़ी कहिला हमार भैया, हाथ जोड़ी कहिला हमार भैया, कमल पे मारे निशान भैया, हाथ जोड़ी कहिला हमार दीदी, हाथ जोड़ी कहिला हमार अम्मा, फूलवा पे मारिया निशान दादा। दंगल के सितारे में इस वक्त हमारे साथ स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैंपियरगंज से, और कहा जाए कि यहां पर कमोबेश सबके दिलों में जिस तरह से उन्होंने घर कर रखा है, हर लोगों को बखूबी जानते हैं। क्यों फतेह बहादुर जी, आप लगातार यहाँ से रहे हैं विधायक, ऐसे में देखा जाए डोर टू डोर जो कैंपेन है लोगों की जुबान पर आप हैं? देखिए व्यक्तिगत संबंध है, एक राजनीतिक संबंध यहाँ नहीं है, ये मेरी दूसरी पीढ़ी है इस विधानसभा में और लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, एज अ वोटर नहीं, एज अ परिवार के सदस्य। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग अपने खुद आकर के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक यहाँ मैटर नहीं है, ये पारिवारिक संबंध है जो हम लोग लगातार निभाते हैं। कहा जाए जिस तरह से देखा जाए आप हैट्रिक मार चुके हैं इस विधानसभा में, क्या इस बार चौका भी मारेंगे? देखिए चौका छक्का तो लगा रहता है, पनियरा से मैं पहले 5 बार रह चुका हूँ, 3 बार यहाँ से हो गया, और लगातार आशीर्वाद जनता का मिलता है। अब जो ये चुनाव है ये लोकल बनाम बाहरी हो गया है, जो यहाँ की जनता मन बना ली है कि से आशीर्वाद देने का काम करें। आप ये मानते हैं इस बात को जिस तरह से कह रहे हैं लोकल बनाम बाहरी, कि विधायक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए और लोकल होने से वो जो वोटर है जो वोट डालता है उसको फायदा कहीं ना कहीं मिलता है, अपनी बातों को आराम से रख सकता है? देखिए पिछले 4.5 वर्षों से और कोरोना काल से लेकर के लगातार मेरी उपस्थिति क्षेत्र में बनी हुई है, अन्य दलों के लोग क्वारंटाइन हो गए थे, तब जब कोरोना काल हुआ था मैं भी कोरोना संक्रमित हो गया था और बहुत बुरी तरह से अस्पताल में एडमिट था, किसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा कि मैं आज जीवित हूँ, लेकिन उसके बाद भी लगातार सेवा करने के बाद भी जनता के दिलों में मन बनाने के स्थान बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जो मैं करते रहते। सर जिस तरह से देखा जाए कि इस कैंपियरगंज इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ की खास नजर रहती है, मैंने देखा कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो और विधानसभा में नहीं यहाँ कर रही, ऐसे में देखा जाए उन परियोजनाओं पर हरी झंडी तो लगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में 2022 में आप क्या चाहते हैं कि यहाँ और कौन कौन सी परियोजनाएं आनी चाहिए? देखिए हमारा लगभग बड़े बड़े विकास कार्य, आपको सड़कें दिख रही, 7.5 मीटर चौड़ी सड़कें हो गई हैं गाँव के अंदर, जो विधायक का दायित्व है उससे कहीं ज्यादा काम मैं इस विधानसभा में करा चुका हूँ। 9 प्रतिनिधि जनता चुनती है, गांव सभा से लेकर के विधायक सांसद, 2-2 MLC भी जनता यहाँ की चुनती है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो लोग मुझे खोजते हैं और मैं काम करता हूँ। कुछ हमारी योजना यहाँ की है जो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित हो, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री जी से बराबर मंचों के माध्यम से,
व्यक्तिगत मिलकर के भी मैंने निवेदन आग्रह किया है और मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही, एक बड़ा उद्योग यहाँ लगेगा और एक कृषि विश्वविद्यालय जो इस गोरखपुर जनपद में नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा में बने और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दे सके। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से रोजगार की बात की जाती है कि रोजगार मिलना चाहिए और इस कृषि विश्वविद्यालय आने से यहाँ पर कहीं ना कहीं रोजगार का एक साधन होगा। ऐसे में देखा जाए फतेह बहादुर जी, जिस तरह से विकास का जो पैमाना तैयार किया गया है, जिस तरह से देखा जाए 2017 का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से आई बीजेपी, आपको लगता है 2022 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और विकास बनाम हो गया है? देखिए, जो विपक्षी पार्टियों ने बड़ा दिमाग लगा करके टिकटों का बंटवारा किया है, जातिगत समीकरण बिठाया, लेकिन प्रत्याशी सब उल्टे पलटे दे दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी दलों के नेताओं को जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने जात पात तो देखा, लेकिन कोई कर्म क्षेत्र का जो एक निष्ठा होती है, जो एक कर्म भूमि बनाता है नेता, उस तरह का कोई नेता मेरे विधानसभा में नहीं आया। सभी बाहरी हैं और नए प्रत्याशी हैं। अभी उनको गांव सभाओं में, हमारे यहाँ 5000 लगभग मजरे हैं, गांव सभाओं में पहुंचते पहुंचते कई वर्ष लगेंगे। इसलिए जनता बहुत होशियार है और वो समझ रही है कि अब जो काम करेगा वही रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको रोकने यहाँ तैयार नहीं है जनता। वोट देने के लिए साफ कह रही है कि आपने काम किया, हम आपके साथ साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से विकास की बात हो रही है, विकास के पैमाने पर, और खुद कहा जाए फतेह बहादुर सिंह जी लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक डोर टू डोर लोगों से पहले भी कनेक्ट रहे हैं, अब भी कनेक्ट रहे हैं। ऐसे में देखा जाए सर, जिस तरह से देखा जाए कि आपके पिता थे, उन्होंने अपने अपना एक सोच रखा था, उन्होंने एक बुनियादी चीज रखी थी गोरखपुर के लिए, वो सपने कहीं ना कहीं अब साकार होते हुए दिख रहे हैं। साकार निश्चित रूप से, जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अधूरे सपने थे, बहुत हद तक योगी जी ने उसको पूरा करने का काम किया है। अभी बहुत से बाकी हैं जो अगले 2022 के बाद योगी जी करना चाहते हैं और करेंगे। हमारी चर्चा उनसे लगातार होती रही है, चाहे वीर बहादुर सिंह नक्षत्राला हो, चाहे तारामंडल हो, चाहे जो चिड़ियाघर जो गोरखपुर में मैंने शिलान्यास किया वन मंत्री के रूप में, जी, वो चिड़ियाघर को बनाने का काम और उसका उद्घाटन करने काम आगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हमने जो काम शुरू किया स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने शुरू किया, उन पर ज्यादातर कार्यों पर योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से गोरखपुर के प्रति महाराज जी पूरी तरह से लगन के साथ विकास करने के लिए तत्पर है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से 2017 में 9 विधानसभा में से 8 सीट आपने जीती थी, इस बार कितनी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, हम तो इस बार 9 की 9 जीतने जा रहे हैं। अब विपक्ष क्या कहता है उस पर तो मैं नहीं प्रकाश डालूंगा, लेकिन बहुत अच्छी हवा है। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर काम किया। 1.5-2 साल से हम लोग कोरोना काल में से लेकर अब तक गांव में गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक जमाना था गरीब आदमी 100 रुपया खोजता था, कोटेदार पे जाता था, तब राशन मिलता था। आज बोरा उठा करके आता है, चलता है और उसको राशन भर करके अपने घर ला करके अपना जीवन यापन कर रहा है। नमक, चना, तेल हम लोग लगातार 2-2 बार महीने में दे रहे हैं, ताकि किसानों पर जो भी जो ये कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जो हमारा बिजनेस प्रभावित हुआ है, इकोनॉमी प्रभावित हुई, गांव के गरीब आदमी पर उसका असर ना पड़े। तो सही कहीं ना कहीं कहा इन्होंने कि जिस तरह से इनका मोटिव एकदम साफ है और कहा है कि प्रत्याशी उसको चुनना चाहिए जो लोकल हो, लोकल बॉडी का हो, बाहरी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता है। फतेह बहादुर सिंह ने 3 बार हैट्रिक मारी है इस विधानसभा में, अब चौका लगाने की बिसात बिछा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये दंगल के सितारे ये चौका मार पाते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद इनको पूरी है कि जिस तरह से हमने हैट्रिक मारी है, चौका भी जरूर मारेंगे। इस समय गोरखपुर से